Welcome to DigiFortech. Please subscribe and press the bell icon. Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 Lite, Galaxy A71, Galaxy A51 ये चार फोन के डिटेल्स सामने आए हैं. ये चार फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है. इसमें से S10 Lite का यूरोपियन प्राइस निकल के आया है 669 रुपीज, और अगर आप इसे इंडियन मार्केट पे कन्वर्ट करते हैं तो 52,600 रुपीज. नोट 10 लाइट का यूरोपियन प्राइस निकल के आया है 609 यूरो, और रफली इंडियन मार्केट के लिए कन्वर्सन के बाद बनता है 47,900 रुपीज. और इस तरीके का गैलेक्सी A71 का यूरोपियन प्राइस निकल के आया है 469 रुपीज, रफली कन्वर्सन 37,000 रुपीज इंडियन मार्केट के लिए. और 12 दिसंबर को इसमें से एक फोन जो कि गैलेक्सी A51 मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च हो सकता है. और A71 के कुछ लीक्स ये आए हैं कि उसमें 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा शूटिंग आपको रियर के लिए मिल सकता है. गूगल मैप में अब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जल्द ही अब नया अपडेट आएगा. इस अपडेट के बाद आपको गूगल मैप ये सजेस्ट करेगा कि जैसे आप रात को ट्रेवल कर रहे हैं तो किस स्ट्रीट में प्रॉपर स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी है, कौन सा स्ट्रीट अच्छा है नाइट ट्रेवलिंग के लिए. ओप्पो रेनो 3 और रेनो 3 प्रो का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है. आपको ओप्पो रेनो 3 प्रो पे 765G वाला प्रोसेसर मिल सकता है जो कि डेडिकेटेड 5G प्रोसेसर है, जिसमें X52 वाला स्नैपड्रैगन की तरफ से वाला 5G मॉडेम लगा हुआ है, और पंच होल डिजाइन वाला ये फोन है. कर्व डिस्प्ले है, क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आ सकता है. जियो ने अपना ₹98 वाले प्लान को रिफ्रेश किया है. इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, ज्यादा नहीं. 300 SMS आपको दिया गया है 28 डेज वैलिडिटीज के लिए, और इसमें कोई भी अदर नेटवर्क का कॉल नहीं है. 98 प्लस आपको ₹10 ₹20 कुछ भी टॉप अप करना ही पड़ेगा. वन प्लस टीवी का अपडेट आ चुका है. अब इस अपडेट के बाद आप डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स का ऐप इंजॉय कर पाएंगे बिना कोई साइड लोड मेथड के. इसका मतलब अब आप वन प्लस टीवी का रियल पे मजा ले सकते हैं. अभी तक वन प्लस टीवी जो है उसमें आपको अमेजोन प्राइम का सपोर्ट मिलता था, नेटफ्लिक्स का सपोर्ट नहीं मिलता था. लेकिन अभी भी वन प्लस को ये वर्क करने की जरूरत है कि प्राइस ड्रॉप करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 70,000 रुपीज का उनका बेस वेरिएंट है Q1 वाला टीवी, और Q1 प्रो है उनका 1 लाख का. प्राइस इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा महंगा है. अगर किसी चाइनीज ब्रांड को देखा जाए, QLED टीवी को भी देखा जाए, या एंड्रॉयड टीवी के पर्पज से भी सोचा जाए, या साइज के हिसाब से सोचा जाए, सभी कैटेगरी पे वन प्लस के टीवी महंगे हैं. हुआवे ने एक साफ कंफर्म कर दिया है कि हार्मनी OS फोन और टेबलेट के लिए अभी और नेक्स्ट ईयर भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है. हालांकि अदर डिवाइसेस पे आ जाएंगे, जैसे कि IoT डिवाइस वगैरह, या इस तरीके के लाइट नोटबुक वगैरह के लिए, जैसे गूगल का जो क्रोम बुक आता है उस टाइप के लाइट वेरियंट अदर डिवाइसेस के लिए आएंगे, बट मोबाइल और टेबलेट के लिए फिलहाल तो नहीं आएगा. एप्पल का iOS 13.3 यानी कि iOS 13 का नया अपडेट 11 दिसंबर को OTA के थ्रू पुश आउट करने स्टार्ट करेगा एप्पल. इसमें कुछ बग्स को इम्प्रूवमेंट किया गया है और कैरियर रिवील डॉक्यूमेंट वाले फीचर्स दिए गए हैं. इस साल एप्पल के हिस्ट्री के अकॉर्डिंग iOS 13 जो है काफी बग्स से गुजर रहा है. मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना है iOS 13 जिसमें काफी सारे कंप्लेंट्स आए हैं कि इस पे ये बग्स है XYZ. इस वजह से अभी एक नया लीक ये भी आया है कि iOS 14 भी जल्द ही लॉन्च हो सकता है. मे भी आईफोन का जो अगला फोन आने वाला है फरवरी पे उसी महीने. रियलमी ने भी सेम एप्पल को के डिजाइन का एक कॉपी वेरिएंट वाला एयरबड लॉन्च करने का डिसीजन ले लिया है. ये 17 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे इंडियन मार्केट के लॉन्च हो जाएगा. इसमें आपको ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलेगा, 12 नैनोमीटर बेस बूस्ट ड्राइवर आपको दिया गया है, और इसमें गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा. इसका नाम हो सकता है रियलमी ट्रूली वायरलेस ईयरबड. अब देखना ये होगा कि ये किस प्राइस पे लॉन्च करता है. वोडा आइडिया ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो 219 और 449 वाले प्रीपेड प्लान को अनलिमिटेड प्लान पे कन्वर्ट कर रहे हैं. ये 2GB डेली वाला डेटा प्लान भी है और 2GB 28 डेज वाला भी प्लान है. 56 डेज की वैलिडिटी है, और वोडा आइडिया के प्लान ट्रूली अनलिमिटेड हो चुके हैं उनके सभी प्लान. वीवो का V17 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होल पंच डिजाइन के साथ
इंडियन मार्केट में आज लॉन्च हो चुका है 22,990 प्राइस टैग के साथ, 8 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज है इस पे। गूगल ने सपोर्ट बंद कर दिया है, यानी कि एंड कर दिया है एक्सप्लोरर एडिशन के ग्लास का, जो ये गूगल का बोला जाए कॉन्सेप्ट डिजाइन का फर्स्ट वर्जन ग्लास था, इसमें अब गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट बंद हो जाएगा 25 फरवरी 2020 से। सैमसंग गैलेक्सी S11 के कुछ रूमर्ड लीक्स सामने आए हैं, इसमें आप देख सकते हैं बैक में इतना गंदा डिजाइन बनाया गया है, जो आज तक के डिजाइनिंग हिस्ट्री का सबसे गंदा डिजाइन है। इसमें सैमसंग ने कहा है कि कस्टम 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको मिलेगा आईएसओ सेल के अकॉर्डिंग, जो कि बोलने बस के लिए 108 मेगापिक्सल रहेगा। आईएसओ सेल के पिक्चर क्वालिटी मुझे कभी भी पसंद नहीं आते हैं, जो सोनी देता है सीमोस सेंसर, उसके जो पिक्चर क्वालिटी है आप कंपेयर कर सकते हैं सोनी का 2019 पे जो आया था 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, जिसका सेंसर नेम था IMX586, और सोनी के तरफ से सैमसंग के तरफ से आया था 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर, है ना, GM1। दोनों के पिक्चर क्वालिटी में काफी फर्क है। iPhone 9 नाम से नया फोन लॉन्च हो सकता है फरवरी 2020 पे, और बहुत इसके पहले लीक आ रहा था कि iPhone SE 2 लॉन्च होगा, बट अब देखना ये होगा कि iPhone 9 के नाम से आता है। मोस्ट प्रोबेबली इस नए फोन के साथ ही iPhone भी अपना एक 5G चिप का डेमो भी दिखा सकता है, और उसके अलावा iOS 14 का भी डेमो दिखाया जा सकता है, क्योंकि iOS 13 में भी काफी बग्स देखने को मिल रहे हैं। ओप्पो रेनो 3 प्रो का कुछ डिटेल सामने आया, देख सकते हैं आप, इसमें क्वाड रियर कैमरा है, कर्व बॉडी डिजाइन दिया गया है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है, और मेटल फ्रेम वाला कुछ आपको डिजाइन कॉन्सेप्ट मिलेगा, और 12 GB तक की रैम इसमें आपको मिल सकती है। मैकबुक प्रो का ऑर्डर ओपन हो जाएगा 10 दिसंबर से, अगर आप मैकबुक लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप US मार्केट पे रहते हैं तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको 32 GB का मेमोरी मिलेगा, इंटेल का ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर मिलेगा, जियोन सीरीज का, AMD के तरफ से रेडॉन प्रो सीरीज का 580X वाला ग्राफिक कार्ड मिलेगा, और इसकी प्राइस है $5,999 एप्पल प्रो डिस्प्ले के साथ, और बिना डिस्प्ले के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो $4,999। OnePlus 8 Lite का कुछ लीक सामने आया है, अब OnePlus के प्राइस तो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हम जैसे यूट्यूबर सभी OnePlus को कंप्लेन कर रहे हैं, तो OnePlus पे टोटल दो ही रेंज आते थे, एक नॉर्मल नंबर वाला यानी कि OnePlus 7, OnePlus C, उसके बाद एक उसका प्रो निकाला जाता था। उसके बाद उसी साल सेम साल के एंड पे उसी को टी बना के थोड़े से 19-20 चेंज करके टी और टी प्रो बनाया जाता था। अब क्या कर रहा है, इसका जो बेस वेरिएंट है वो भी 33-34,000 अप्रोक्स 35,000 तक पहुंच चुका है, तो एक लाइट वेरिएंट जो रहेगा ये कैरी करेगा लगभग 25 से 28 हजार 27 हजार इस प्राइस बजट के अंदर आपको आएगा। इसलिए इसमें दो कैमरा आपको दिख रहा है, पंच होल डिजाइन मिल रहा है। वोडा आइडिया ने भी एयरटेल की राह पे अपना पूरा प्लान, जितने भी प्लान हैं इनके, चाहे आप फीचर फोन के लिए यूज करें, चाहे अनलिमिटेड प्लान के लिए यूज करें, 1 महीना 3 महीना 6 महीना 1 साल, सभी प्लान को वापस से ट्रूली अनलिमिटेड कर दिया है। सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite, S10 Lite के कुछ रेंडर्स, Galaxy Note 10 और S10 Lite दोनों का रेंडर लीक सामने आया है। इसमें पंच होल डिजाइन, काफी थिन बेजल मिल रहा है, ना के बराबर आपको बेजल दिख रहा है इसपे, और एक्सिनोस का 9810 SoC हो सकता है, Snapdragon 855 वाला प्रोसेसर हो सकता है, क्योंकि प्लस वाला तो देगा नहीं, क्योंकि लाइट वेरिएंट है, आप लाइट के नाम से ही समझ सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ प्राइस कट कंपनी करेगा, प्राइस कट किया है तो स्पेक्स भी कट करेगा। एयरटेल ने भी अपना FUP लिमिट कंप्लीट हटा दिया, सबसे पहले एयरटेल ने अपना FUP लिमिट हटाया, एयरटेल का डिसीजन के बाद उसके जस्ट 3 घंटे के बाद आइडिया ने भी अपना हटा दिया FUP लिमिट, और वोडा ने भी हटा दिया। अब आपको सबसे ज्यादा लॉस है तो जियो नेटवर्क पे, जियो नेटवर्क पे आपको अगर आप 1 महीने का रिचार्ज करते हैं तो आपको 1,000 मिनट मिलता है FUP लिमिट, 3 महीने वाले रिचार्ज में आपको 3,000 FUP लिमिट मिलता है, और अगर आप छोटा फोन चलाते हैं जियो का बटन फोन, उसमें आपको 500 मिनट FUP लिमिट मिलता है। इस तरीके के अगर आप FUP लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपको 6 पैसा पर सेकंड देना है, वहीं आपको आइडिया एयरटेल वोडा पे कोई FUP लिमिट नहीं है, इट मीन्स आपको 6 पैसा पर सेकंड नहीं देना है।
गार्मिन वेन्यू का वीवो एक्टिव 4 स्मार्ट वॉच इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च हो चुका है 32,590 वाले प्राइस टैग पे। इस पे एक और वेरिएंट है जो 37,490 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा और 32,590 वाले पे आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलेगा। और ये आपको अवेलेबल है टाटा क्लिक, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और पेटीएम मॉल पे 15 दिसंबर से। व्हाट्सएप पे कॉल वेटिंग का फीचर आ चुका है लेकिन कंप्लीट बीपिंग फैसिलिटी नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पे शो करेगा एक्सेप्ट डिलाइन एंड एक्सेप्ट, इस टाइप का प्रॉपर होल्डिंग फैसिलिटी तो नहीं आया है नॉर्मल कॉल की तरह, बट ये फीचर भी बुरा नहीं है। अगर आप कॉल में बात कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म तो मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A51 जो 12 दिसंबर को लॉन्च होने के कुछ लीक सामने आए हैं, इसमें एल शेप डिजाइन वाला कैमरा सेटअप मिल सकता है, पंच होल डिजाइन वाला कैमरा है। एल सेटअप अभी वीवो का V17 पे रिसेंटली आज के डेट पे ही लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हैं कि सैमसंग भी अब डिजाइनिंग कॉपी करने लग गया है। एक्सिनोस का इसमें 9611 वाला प्रोसेसर आपको मिल सकता है और कुछ लाइटली लीक आए हैं कि ये भी 5G कैपेबल हो सकता है, बट मेरे इस लीक पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये 5G फोन नहीं रहेगा। इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर रहेगा और माइक्रो फोटोग्राफी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर इसमें मिल सकता है और 5,000 mAh तक की बैटरी हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसमें 4,500 mAh ही बैटरी रहेगा, उससे ज़्यादा सैमसंग नहीं करेगा। नेटफ्लिक्स ने ये डिसीजन लिया है कि अब वो इंडियन मार्केट पे और अच्छी बिजनेस करने के लिए 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है इंडियन मार्केट के लिए, जो कि रफली बनता है 420 बिलियन डॉलर रुपीज का, सॉरी रुपीज नहीं, 420 मिलियन डॉलर। तो अब देखते हैं कि ये कितना इफेक्ट करता है इंडियन मार्केट के लिए, कितने कंटेंट इस पे लाए जाते हैं। एक्चुअल अभी इंडियन मार्केट पे सबसे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है वो है अमेजोन प्राइम वीडियो पे। पहली बात, इनकी कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी है, 999 रुपीज़ फॉर 12 मंथ। इसमें आपको तेलुगु, तमिल, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी इतने पूरे कंटेंट अवेलेबल है और प्रॉपर डेडिकेटेड अमेजोन प्राइम शोज भी अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छी कॉम्बो डील है और नेटफ्लिक्स की प्राइस भी ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है, 4K कंटेंट अवेलेबल है, बट लिमिटेड 4K कंटेंट अवेलेबल है और इंडियन मार्केट के कंटेंट तो ना के बराबर अवेलेबल है। एडोबी ने एक्वायर कर लिया है मीडियम कंपनी को, इनकी मदद से ओकुलस का जो हैंडसेट डिजाइन है, जो गेमिंग सेटअप के लिए वीआर हैंडसेट था, उसे अब 3D वेरिएंट पे इम्प्रूव किया जाएगा। रेडमी के K30 का एक रिटेल बॉक्स और कुछ लाइव इमेज सामने आए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। मेन कैमरा इसमें हो सकता है 64 मेगापिक्सल का, सोनी की तरफ से IMX686 कैमरा सेंसर। और रेडमी के K30 का जो 5G वेरिएंट आएगा उसमें आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 765G, और रेडमी के K30 पे जो 4G वेरिएंट आएगा उसमें आपको मिल सकता है रेडमी का नहीं, स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर मिल सकता है। ऑन द टॉप MIUI 11 रहेगा, Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स, और 4,500 mAh की बैटरी मिल सकती है, और 6.67 इंच का मतलब काफी बड़ा साइज का इस पे आपको डिस्प्ले मिल सकता है। 3.5 mm जैक भी दिया जाएगा और अगेन इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट मिल सकता है। फास्ट चार्जिंग आपको 30 वॉट तक का मिल सकता है। टाइप सी वाला पोर्ट रहेगा, आयर ब्लास्टर तो रहेगा ही रहेगा। एयरटेल का जो माई एयरटेल ऐप था जिसे मोस्टली सभी यूजर्स यूज करते हैं, जरूरी नहीं है मतलब आप जैसे जियो के यूजर हैं तो आप माई जियो यूज करेंगे, आइडिया है तो माई आइडिया, एयरटेल है तो माई एयरटेल, इस तरीके के जो डिफॉल्ट ऐप है इसमें कस्टमर लॉगिन करके रखता है ये देखने के लिए कि पर डे डेली लिमिट कितना बचा है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है और रिचार्ज ऑफर्स। तो ये जो डिफॉल्ट ऐप था एयरटेल का, इसमें कुछ बग सामने आए थे। इस बग से हैकर आपकी डिटेल पूरी तरीके से हैक कर सकते थे, यहाँ तक कि आपके फोन के IMEI नंबर को भी, आपने कौन से हैंडसेट पे एयरटेल का सिम लगाया है, उस हैंडसेट का IMEI नंबर क्या है, आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो एयरटेल ने इसे मतलब जब एयरटेल को बताया गया हैकर के द्वारा कि आपके ऐप में बग है, तो एयरटेल ने इसे जल्द ही फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है और फाइनली अब ये OTA अपडेट के थ्रू फिक्स हो चुका है। Realme 5i भी स्पॉट किया गया है सर्टिफिकेशन पेज पे। इसमें आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और मॉडल नंबर निकल क्या है RMX2030।
वैसे तो रियलमी के पूरे फोन अब आज के डेट में सिर्फ कचरा होते जा रहे हैं, सिर्फ उसको मार्केट भरना है कि मैं कैसे मार्केट भर सकूं। इसके अलावा रियलमी का कोई कॉन्सेप्ट लाइनअप नहीं चल रहा, हर 1 से 1.5 महीने में वो नया फोन निकाल रहा है सिर्फ एक या दो चेंजेस करके। जैसे Realme 5S अभी रिसेंटली आया, उसमें नॉर्मल Realme 5 और Realme 5S में सिर्फ एक चीज का अंतर है कि रियर कैमरा का मेगापिक्सल बढ़ा दिया है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके फोन को लॉन्च कर दिया है। सेम इसी तरीके से 5i के साथ भी करने वाला है वो। वीवो ने कहा है कि पहले जैसे अभी लीक आ रहा था कि उनका जो डिफॉल्ट OS चलता है फन टच OS, इसे रीनेम किया जाएगा या कंप्लीट रीडिजाइन करके जॉय OS के नाम से रिलॉन्च किया जाएगा। लेकिन अब वीवो ने फाइनली ट्वीट करके ये कंफर्म किया कि नहीं, हम रीनेम नहीं कर रहे हैं, आपको फन टच OS नाम पे ही कंप्लीट एक नया यूजर इंटरफेस हम देने की कोशिश करेंगे। और ये जो फन टच OS है, इसका नया वर्जन 16 दिसंबर को अनवील किया जा सकता है वीवो के X30 फोन के साथ। और मैं आपको बता दूं, वीवो का X30 जो फोन है और X30 Pro, ये दो फोन लॉन्च होने वाले हैं, दोनों ही 5G रहेंगे। इसमें सैमसंग की तरफ से आने वाला एक्जीनोस 980 वाला 5G चिपसेट आपको इसमें मिल जाएगा, और 60x जूम तक का पेरिस्कोपिक डिजाइन वाला कैमरा सेटअप आपको रियर पे मिल सकता है, 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर साइज के साथ। सोनी के Xperia 3 का भी कुछ लीक आया है। इस लीक के अकॉर्डिंग इसमें आपको 6 कैमरे मिल सकते हैं रियर पे, 20 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। जो 0.5 मेगापिक्सल है वो 3D कैमरा है, और 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, 20 जो मेगापिक्सल है वो टेलीफोटो के लिए है, और 16 मेगापिक्सल है वो आपका अल्ट्रा वाइड है, और 8 मेगापिक्सल जो है वो जूम के लिए है, और 12 मेगापिक्सल जो है वो अल्ट्रा वाइड के लिए है। और इसमें स्नैपड्रैगन की तरफ से 865 वाला चिपसेट आपको मिल सकता है, 12 GB तक की रैम इसमें आपको हो सकती है, और ये लॉन्च हो सकता है Q2 2020 पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल में आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू।